हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग एनीमे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले की स्टोरी दिखाते हैं और वहाँ पर एक आइलैंड पर लड़ाई चल रही होती है और शिप में बैठे हुए कुछ लोग उसे देख रहे थे। वो लोग कहते हैं, कैप्टन अब हमें उनकी मदद करने जाना चाहिए। जिस पर कैप्टन कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, हमारे वेपन्स उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हम ये सब हंटर्स पर ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक हंटर को दिखाते हैं जो कि भागते हुए जंगल में से बहुत सारे एंट्स को बाहर लेकर आता है और वहाँ पर ये हंटर्स हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंट्स का ग्रुप आ जाता है और वो सभी लड़ने लगते हैं और उन्हें इन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना ही होगा, वरना उनकी फ्रंट लाइन कोलैप्स हो सकती है। मगर ये एंट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और वो उन हंटर्स पर हमला किए ही जा रही थी। इवन उन पर मैजिक का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो एंट्स उनमें से कुछ हंटर्स को खाने लगती है। हंटर्स बोलते हैं, हम लोग इनके सामने लो रैंक लग रहे हैं और हम हारने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो उस आदमी की जान बचाकर उसे हील करता है एंड उसकी हीलिंग पावर इतनी हाई थी कि वो आदमी तुरंत ही रिकवर हो जाता है। तभी वहाँ पर और भी एंट्स आ जाती है और तभी उस हीलर का साथी भी आ जाता है और वो उन एंट्स पर इलेक्ट्रिक पावर से अटैक करता है। उसके बाद एक और बंदा जिसका नाम यूल्वो है, वो भी आता है और वो उन एंट्स के साथ बिना किसी वेपन के लड़ने लगता है और उन्हें लड़ते हुए देखकर ये लोग बोलते हैं, ये लोग तो एस रैंक के हंटर्स है। इसके बाद ये दोनों इस बंदे को कहते हैं, तुम तो यहाँ हमसे भी ज़्यादा जल्दी आ गए। और इस बंदे का नाम होता है ब्यूंगू, जो कहता है, सॉरी लेकिन मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाना चाहता था और वैसे भी मुझे तो पता ही था कि तुम दोनों मेरी मदद करने ज़रूर आओगे। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी वाइट कलर की एंट आती है। फिर यूल्वो उस एंट को अपने हाथों से ही रोक लेता है एंड वो बिजली वाला बंदा ऊपर से उस एंट पर हमला करता है, जिससे यूल्वो उस एंट का एक पैर तोड़ देता है और उसी के ऊपर उसका पैर फेंक के मारता है और वो उसके आर पार हो जाता है एंड वो एंट वहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वहाँ और भी बहुत वाइट एंट्स आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों अपने आप को पावर अप कर देते हैं। फिर दूर एक और लड़के को दिखाते हैं जो बोलता है, शायद ये लोग टाइम पर पहुँच गए। तभी वहाँ पर और भी सारे एंट्स आने लगते हैं और उस बंदे का नाम चोई होता है, जो अपनी फायर एबिलिटी से उन पर हमला करता है, लेकिन अभी भी वाइट एंट्स बची हुई थी तो ये सारे हंटर्स उसके साथ लड़ने लगते हैं। अगले सीन में नरेटर हमें बताते हैं कि 10 साल पहले इस दुनिया में ऐसे पोर्टल ओपन हुए हैं जो कि दूसरे डायमेंशन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इस पोर्टल के अंदर बहुत से बिजार क्रिएचर्स जैसे कि मैजिक बीस्ट रहते हैं और नॉर्मल वेपन से इनके साथ लड़ा नहीं जा सकता। इन मॉन्स्टर्स के साथ सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटी अवेकन हुई हो और उन्हें हंटर्स कहा जाता है। इनके मैजिकल पावर्स के बेस पर उन्हें एस ए बी सी डी और ई रैंक दिया जाता है और अगर एक बार तुम्हारे अंदर स्पेशल एबिलिटी अवेकन हो गई तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी एबिलिटी कभी भी ओवर डेवलप्ड नहीं होगी। इसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। उसी पोर्टल के सामने बहुत सारे हंटर्स रेयर मिशन करने के लिए आए होते हैं और वहाँ एक किम नाम के आदमी के पास पार्क नाम का आदमी आता है। उसे देखकर किम पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगा तुमने हंटिंग छोड़ दी। जिस पर पार्क कहता है, हाँ छोड़ तो दी थी लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो हमारे दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत है। किम कहता है, हाँ वैसे रेयर मिशन पूरे करने पर काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू एंट्री लेता है और सभी उसे ग्रीट करते हैं और किम उसे रोक कर कहता है, हे जिन्वू क्या तुमने खाना खाया। जिन्वू कहता है, हाँ। तो पार्क किम से पूछता है, ये कौन है, क्या ये स्ट्रांग है, क्योंकि सभी लोग उसे ग्रीट कर रहे हैं। तो किम उसे कहता है, ये तो उससे बिल्कुल अपोजिट है, जब तुमने हमारी टीम छोड़ी थी उसके बाद उसने ज्वाइन किया था, वो पूरे मैनकाइंड में से सबसे वीकेस्ट हंटर है। एक बार वो ई रैंक के डंजन में भी बेहोश हो गया था, उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, वो उतना ज़्यादा कमज़ोर है। और उनकी बात जिन्वू भी सुन लेता है और वो दुखी हो जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है, जिस पर जिन्वू कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि ये मेरा हर बार का है। तो जूही कहती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए,
उसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं और जूही कहती है मैंने सुना तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो जिनवू कहता है हाँ मैं अकेला ही ई रैंक के डंजन में भी इंजर्ड हो गया था, बाकी के हंटर्स हाई रैंक के थे तो उन्हें हीलर्स की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब ये लोग अपने मिशन के लिए जाने लगते हैं। ये उनके मिशन का लीडर होता है जिसका नाम सोंग चियुल है। वो इन लोगों को कहता है तुम लोग हाई रैंक के हंटर्स हो, तुम जैसी टीम को लीड करने से मुझे काफी रिलीफ मिल रहा है। जिसके बाद गेट खोल दिया जाता है और वो हंटर्स अंदर जाते हैं। जिनवू के पास किम आकर कहता है सभी के साथ रहना और हर्ट मत हो जाना, ऐसा बोलकर वो भी अंदर चला जाता है। इसके बाद जिनवू के पास एक नाइफ होता है जिसमें थोड़ा मैजिक पावर भी होता है। जिनवू कहता है मेरी इनकम से मैं सिर्फ यही खरीद सकता हूँ, वैसे भी कुछ ना होने से तो ये बेहतर ही है, मैं आज काफी अच्छा परफॉर्म करूंगा, ये बोलकर वो भी अंदर चला जाता है। अगले सीन में एक आदमी चेयरमैन गो का वेलकम करता है और पूछता है कि गवर्नमेंट के साथ आपकी मीटिंग कैसी गई, तो वो कहता है कि हमेशा की तरह उन्होंने यही कहा कि हम डंजन ब्रेक को अवार्ड दे, और वो डिमांड कर रहे हैं कि डंजन से मिले हुए सामान को हम उन्हें सप्लाई करें। उन लोगों की रिक्वेस्ट भी गलत नहीं है क्योंकि हम डंजन से मिले हुए सामान से काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। मैजिक बीस्ट को हराने के बाद हमें ये क्रिस्टल्स मिलते हैं जिसे मैजिक जेम्स भी कहा जाता है, इन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके बाद इधर जिनवू को पहली बार मैजिक जेम मिला था तभी उसके ऊपर एक गोब्लिन अटैक करता है, फिर जिनवू भी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन उसका वो नाइफ टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो गोब्लिन जिनवू के आर पार तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पार्क आकर उस गोब्लिन को खत्म कर देता है और जिनवू को बचा लेता है। उसके बाद जिनवू का बहुत सारा खून बहने लगा था, तभी जूही वहाँ पर आकर उसे हील करने लगती है और कहती है मैं तुम्हें हील करके रहूंगी। उसके बाद जिनवू सामने देखता है तो उसकी टीम काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो उन मॉन्स्टर्स को काफी इजीली खत्म कर रही थी। अगले सीन में गो बताते हैं कि हाई रैंक मैजिक बीस्ट को हराकर जो जेम्स मिलते हैं उससे काफी पावरफुल वेपन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो माना क्रिस्टल्स डंजन से मिलते हैं उन्हें भी वेपन के तौर पर यूज किया जा सकता है, लेकिन उनका इफेक्ट मैजिक जेम्स से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट उनका यूज न्यू टाइप ऑफ एनर्जी के लिए चाहती है जो कि न्यूक्लियर पावर से सेफर है एंड हाइड्रो पावर, विंड पावर और थर्मल पावर से ज्यादा एफिशिएंट है। ये काफी कम पॉल्यूशन करता है और ये काइंड ऑफ ग्रीन एनर्जी जैसा है, तो गवर्नमेंट ये रिसर्च कर रही है कि मैजिक गर्ल जेम्स और माना क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सके। हंटर्स जो रेयर रिसोर्सेस को एक्वायर करते हैं उन्हीं से ये काम पूरा हो सकता है। अगले सीन में ये लोग डंजन बॉस को हरा देते हैं और इधर जूही जिनवू से पूछती है कि क्या तुम एक हंटर जबरदस्ती से बने हो, क्योंकि तुम किसी दिन मर भी सकते हो, जिस पर जिनवू कहता है मुझे माफ कर दो। ये सुनकर जूही गुस्से में कहती है मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, और इन्हें उस डंजन बॉस को मारने से ज्यादा कुछ कीमती मिला नहीं होता है, और उन्हें देख कर जिनवू सोचता है तो ये खत्म हो गया, मुझे तो बस एक ई रैंक का स्टोन ही मिला है, आखिर इसके लिए मैं अपनी जान क्यों दे रहा था। तभी एक हंटर उन्हें अपने पास बुलाकर एक केव दिखाता है जो काफी अंडर तक होती है। ये लोग बोलते हैं क्या ये एक डबल डंजन है, तो वो लोग सोचते हैं कि इसके अंदर जाने से हमें और भी मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिन्हें हरा कर हमें और भी ज्यादा लूट मिल सकती है। सोंग इन्हें कहता है ऐसे सिचुएशन में हमें हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी चाहिए, तो पार्क उसे कहता है हमें इसके अंदर जाना चाहिए, ये तो बस एक डी रैंक का डंजन है, रिस्क तो है ही लेकिन हमें इससे काफी कीमती सामान भी मिल सकता है, तो सोंग कहता है ठीक है हम वोट करेंगे कि कौन अंदर जाना चाहता है, और सभी लोग वोट करने लगते हैं एंड जूही अंदर जाना नहीं चाहती थी। वोटिंग करने के बाद पता चलता है 6 लोग अंदर जाना चाहते हैं और 6 लोग नहीं जाना चाहते। अब सिर्फ जिनवू के ऊपर था कि वो जाना चाहता है या नहीं। जिनवू सोचता है मुझे पता है एक डी रैंक का डंजन भी मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मेरे डैड मिसिंग है और मेरी फैमिली में से सिर्फ मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस होती है और मेरी बहन को कॉलेज जाना है, उन सबके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, और वो उन लोगों को कहता है मैं अंदर जाऊंगा। अगले सीन में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये लेडी इस लड़के को कहती है अपना हाथ इस क्रिस्टल पर रखो, और वो लड़का वही करता है एंड वो लेडी उसका डेटा कलेक्ट करती है। ऐसे ही करके सबकी बारी आती है,
अगले सीन में एक आदमी जोई को बताता है कि एक बी रैंक का हंटर और दो सी रैंक के हंटर्स हमें ज्वाइन करने के लिए एग्री कर चुके हैं। ये सुनकर जोई कहता है, अच्छी बात है, जेंडर या फिर एज से फर्क नहीं पड़ता, तुम बस रिक्रूट करते रहो। तो बंदा कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टैलेंटेड पर्सन मिलेगा जो चाहेन से ज्यादा पावरफुल होगा। अगले सीन में दो चोर एक लड़की का पर्स चोरी करके भागते हैं। वो लोग काफी तेजी से भाग रहे थे, तभी उन लोगों के सामने एक लड़की आ जाती है और वो लोग उसे साइड में होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़की टेलीपोर्ट होकर उन लोगों के सामने आकर कूद जाती है। इस वजह से उन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं पर फिसल जाते हैं। फिर वो लड़की पर्स को ले लेती है। फिर जिसका पर्स था वो लड़की वहाँ पर आती है और उसे थैंक्स कहती है। फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उस लड़की को कहते हैं, ये तो चाहेन है, और सभी लोग उसके पास आ जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर एस रैंक हंटर होती है। और चाहेन छलांग लगा कर ऊपर जाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में इन लोगों को दिखाया जाता है और इन्हें केव में चलते चलते 40 मिनट हो गए थे। इनके पास अब सिर्फ 20 मिनट ही बची हुई थी, वरना पोर्टल बंद हो सकता है। और जिन वो जूही से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा, जिस पर जूही गुस्सा होकर कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम अभी मरने वाले थे, मैंने तुम्हें कितनी मेहनत करके बचाया है। जिस पर जिनवू उससे माफी मांगता है तो जूही कहते हैं, ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे खाने की ट्रीट देनी पड़ेगी। ये सुनकर जिनवू तो ब्लश करने लगता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग बॉस रूम के पास पहुंच जाते हैं और वहां का दरवाजा रेयर होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अंदर जाएंगे। अगले सीन में हम चेयरमैन गो को देखते हैं जो कुछ नए हंटर्स को कहते हैं कि मैं हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गो हूँ, तुम लोगों में से कोई हंटर बनेगा और कोई नहीं। पोर्टल 10 साल से ज्यादा एग्जिस्ट करता है, डंजन के अंदर अभी भी कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं किया जा सका है। एक हंटर बनने का काफी रिस्की काम होता है, अगर तुम्हें रेयर मिशन की आदत है तब भी कभी भी एरोगेंट मत बनना, और तुम्हें सर्वाइव करना हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा चौकन्ना रहना। इसके बाद अब ये लोग इस डंजन में आ चुके थे और ये उन्हें काफी अजीब जगह लगती है। वहाँ पर काफी सारे स्टैचूज भी होते हैं जो कि काफी पुराने लग रहे थे। फिर जिन वो एक स्टैचू को देखकर कहता है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, वहाँ पर एक भी मैजिक बीस्ट नहीं था, और इस बात से ये लोग काफी हैरान रहते हैं। फिर वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल भी था और दीवार में कुछ लिखा भी हुआ था जो कि एंशेंट मैजिक से लिखा गया था, और सॉन्ग उसे पढ़ने जाता है। उसके बाद जूही जिन्हों से कहती है कि ये जो बड़ा स्टैचू था उसकी आंख अभी हिली थी और वो हमें ही देख रहा था। ये सुनकर जिनवू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, तभी वहाँ का गेट बंद हो जाता है जिससे ये लोग डर जाते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी था, वो बोलता है, मैंने कहा था ना कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम लोग डंजन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, यहाँ से तुम्हें जितना भी सामान मिले वो तुम खुद ही रख लेना, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। वो अब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था तभी एक स्टैच्यू उस पर हमला कर देता है और वो उसे बीच से ही काट देता है। ये देखकर सभी लोग डरने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमें अब इस स्टैच्यू से लड़ना होगा। और जिनवू सोचता है कि अभी जो लड़का मरा है वो डी रैंक का था, लेकिन वो इतनी जल्दी मर गया, ये काफी अजीब बात है, ये तो डी रैंक का डंजन होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर इतने पावरफुल क्रिएचर्स कैसे है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो बड़ा स्टैच्यू था वो उसे ही देख रहा था। उसके बाद जिनवू हमें अपने बारे में बताता है, पहली ही रेड मिशन में मैं अपनी टीम से अलग हो गया था और मुझ पर हमला हो गया था, एक ई रैंक के मैजिक बीस्ट ने मुझ पर हमला कर दिया था, इस वजह से मुझे काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था और एक मेज के अंदर ट्रैप हो चुका था। एक लो रैंक का डंजन भी मेरे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। हंटर्स मैजिकल जेम्स बेचकर काफी सारे पैसे अर्न करते हैं और वेपन्स खरीदते हैं एंड हाई रैंक पर आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक चीप नाइफ है और अगर ये भी डैमेज हो जाता है तो मुझे मैजिक बीस्ट से हाथों से ही लड़ना होगा। मेरे जूते भी फटे हुए हैं, लेकिन इन सब के बाद भी मैं एक खतरनाक जॉब करता हूँ ताकि मुझे पैसे मिल जाए। मुझे आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, इसलिए मुझे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। इसके बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और जिनवू सबको कहता है कि सभी लोग नीचे झुक जाओ। तभी उस स्टैच्यू में से लेजर लाइट निकलती है जो कि काफी सारे लोगों को जलाने लगती है और उस जगह को भी डिस्ट्रॉय कर देती है।
और जिनवू जूही को लेकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पर काफी सारे हंटर्स मर जाते हैं। जिनवू सोचता है, ये सब हो क्या रहा है, हमारे साथ ये सब कैसे हो गया, हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और वो हैरान होकर कहता है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।